वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मीडिया के महाज पर भरपूर जंग लड़ने का फैसला, आखिर वजह क्या है, हुकूमत को यह कदम क्यों उठाना पड़ गया, तमाम तर तफसीला से आगाह करेंगे इस वीडियो में। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मीडिया और बयानियों के मामले पर हुकूमती तर्जमानों की टीम में इजाफे का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत वज़ीर-ए-आज़म हाउस में तर्जमानों का पहला गैर मामूली इजलास हुआ। ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़ीर इत्तला'आत ने इजलास में मीडिया की हिकमत अमली पर तफसीली ब्रीफिंग दी और तर्जमानों की तजवीज़ बढ़ाने की तजवीज़ बाज़ाब्ता तौर पर पेश की। ज़राए के मुताबिक इजलास में साबिक वफाकी वज़ीर इत्तला'आत मरियम औरंगज़ेब ने भी शिरकत की। इजलास में पंजाब की वज़ीर इत्तला'आत उस्मा बुखारी, खैबर पख्तूनख्वा से इख्तियार वली और सिंध से खेलदास कोहस्तानी ने शिरकत की। इजलास में मीडिया के महाज पर चैलेंजेस, अपोजिशन के बयानी का जवाब देने के अमूर पर तफसीली गौर किया गया। जवाबी बयानियां, बरवक्त रद्द अमल और मीडिया स्ट्रेटेजी के हवाले से तजावीज भी पेश की गयी। ज़राए के मुताबिक इजलास में वज़ीर आज़म ने वफाक और सूबों में पार्टी और हुकूमती अरकान को तर्जमान बनाने का फैसला कर लिया। पार्टी के सीनियर और नौजवान रहनुमा तर्जमानों में शामिल होंगे। तर्जमान अपने अपने शोबों के हवाले से मीडिया में पार्टी और हुकूमत का भरपूर दिफा करेंगे। टीवी प्रोग्राम्स में पार्टी तर्जमानों को भिजवाने के लिए सेंट्रलाइज्ड निजाम बनाने पर इत्तेफाक किया गया। सोशल मीडिया के लिए जामिया हिकमत अमली की भी मंजूरी दी गई। सूबाई और वफाकी हुकूमतों के तर्जमानों के दरमियान इश्तियाक अमल कायम करने की मंजूरी भी दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मीडिया के महाज पर भरपूर जवाब के लिए नए चेहरों को भी सामने लाने की हिदायत कर दी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें।